नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप हमारी आने वाली नई न्यूज वीडियो देख पाए सबसे पहले। कहने को तो ये मात्र एक फोटो है, लेकिन ये आप और आपके दोस्तों के सोचने का नजरिया बदल सकती है। 1915 में पहले विश्व युद्ध के दौरान तुर्की के गुल्लीपोली इलाके के पार्क में खेलते कुछ बच्चों के हाथ ये गोलियां लगी। बंदूक से निकलने के बाद एक दूसरे को भेदती ये गोलियां सालों से तुर्की के म्यूजियम में रखी हुई हैं। आज भी हजारों लोग इन बुलेट्स की खूबसूरती और इनमें छिपा संदेश देख जीवन का मतलब समझते हैं। एक दूसरे में फंसी इन गोलियों की तस्वीर से हर शख्स अपने जीवन को और नजरिए को जोड़ सकता है। जानिए कैसे आपका भी नजरिया बदल देगी ये तस्वीर। के दौरान तुर्की के गुल्लीपोली इलाके के पार्क में खेलते कुछ बच्चों के हाथ ये गोलियां लगी। बंदूक से निकलने के बाद एक दूसरे को भेदती ये गोलियां सालों से तुर्की के म्यूजियम में रखी हुई हैं। आज भी हजारों लोग इन बुलेट्स की खूबसूरती और इनमें छिपा संदेश देख जीवन का मतलब समझते हैं। एक दूसरे में फंसी इन गोलियों की तस्वीर से हर शख्स अपने जीवन को और नजरिए को जोड़ सकता है। जानिए कैसे आपका भी नजरिया बदल देगी ये तस्वीर। इस फोटो ने बदल डाली लाखों लोगों की सोच। अब नंबर आपका। जिस तरह बंदूक से निकली गोली ये नहीं जानती कि वो किसका कत्ल करेगी, उसी तरह गुस्से में मुंह से निकली बात नहीं जानती कि वो किस रिश्ते का कत्ल करेगी। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो खुद कभी न कभी उसमें गिरता है। ये दोनों गोलियां किसके लिए चली होंगी और किसे जाकर लगी, सोचिए और तय कीजिए। विनाश के लिए तैयार की गई कोई चीज किसी का भला नहीं कर सकती, खुद अपना भी नहीं। कुछ ऐसा ही जिंदगी में भी है। किसी के बुरे के लिए तैयार की गई चीज भला नहीं कर सकती। गांधी जी ने भी कहीं न कहीं हिंसा के इस रूप को पहचान लिया होगा, तभी उन्होंने सदैव अहिंसा के रास्ते पर चलने का संदेश दिया। यदि दोस्तों आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो, यह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।